नया वीजा, नई सैलरी, और सबसे ज़्यादा सैलरी नए आदमी की 1500 से लेके 1800 तक सैलरी। और कतर आना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, धूम मचा दो, वीडियो शेयर भी करो। बात करने वाला हूँ नए वीजे के बारे में। जो लोग कहते हैं भाई कतर का वीजा नहीं निकल रहा है, कतर का वीजा बंद हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर वीजा निकल रहा है और वीजा बहुत ज़्यादा निकल रहा है और काम भी है। यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काम है और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए काम नहीं है। जैसे कि जो लोग फ्री वीजा में हैं, आजाद वीजा में हैं, या तो फिर कोई और काम में हैं और उनके लिए काम नहीं है। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं या घर खाते में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, जो लोग कपिल से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम है। यानी कि उन सारों के लिए काम है जो लोग कंपनी जुड़े हैं या घर खाते में हैं या किसी दुकान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर काम है। और नया वीजा बहुत ज़्यादा निकल रहा है और नए लोग भी आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कतर में काम बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है, बस यही है कि जो फ्री वाले हैं, जो आज़ाद वीजा वाले हैं, उनके लिए काम बहुत मिलना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मिलना मुश्किल है। क्योंकि जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं या बड़े बड़े मॉल होते हैं या बड़े बड़े जो इस तरह होते हैं मजलिस होती है, उनका काम सीधा कंपनी वालों को दे देते हैं। जब कंपनी वालों को दे देते हैं तो कंपनी वाले आते हैं काम करके अपना चले जाते हैं। और नई सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है इस टाइम कतर के अंदर। अगर आप लोग कतर में आते हो, काम करने आते हो, तो भाई कम से कम आपकी सैलरी 1500 रियाल सैलरी होगी, खाना प्लस होगा। अगर आप डायरेक्ट ऑफिस से वीजा लेते हो तो कम से कम आपको सैलरी 1500 मिलेगी। अगर आप किसी से वीजा लेते हो, कोई आपका जानने वाला है, कोई याद संपर्क कोई है आपका, तो उसमें आप उसके ऊपर आप 1500 में बात कर सकते हो, 1200 में बात कर सकते हो, 1300 में बात कर सकते हो। वो तो अपने ऊपर है कि हम कितनी सैलरी में हम आना चाहते हो, कितनी सैलरी हमें मिलना चाहिए। तो अगर आप आना चाहते हो कतर, तो भाई कम से कम सैलरी 1500 रुपया सैलरी है, 1600 रुपया सैलरी है, और प्लस खाना भी अलग से आपको एक्स्ट्रा में देते हैं। यानी खाना फ्री हो जाता है, सिर्फ सैलरी आपको 1500-1600 सैलरी मिलती है। अगर ऑफिस से आते हो या किसी और जरिया से आते हो या अच्छा वीजा देख कर आते हो, अच्छी कंपनी देख के आते हो, तो भाई आप नए हो या पुराने हो तो 1700 सैलरी तक भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपको काम पता है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या एसी का या लिफ्ट का काम पता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम चलता है, हमेशा ये सारे काम चलते हैं, अगर ये सारे काम आपको पता है तो आपको 1700-1800 रुपया सैलरी भी मिल सकती है और आप अच्छा इनकम भी कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं सैलरी बहुत कम मिलती है कतर के अंदर, खाना नहीं मिलता है, पैसा नहीं बचता, भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। और नए वीजे के बारे में बात करें तो वीजा भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं अब उनको बंदे चाहिए, काम भी, नया प्रोजेक्ट भी ओपन हो चुका है, काम भी चल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि भाई काम बिल्कुल नहीं है, तो भाई काम बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये है मुशेरफ का एरिया, ये है मुशेरफ, यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पीछे ये साइड लेफ्ट साइड में है, ये सारे होटल हैं, छोटे छोटे होटल हैं, यानी बहुत बड़े बड़े होटल हैं और छोटे होटल भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, अभी शाम का टाइम है और 10-11 बजे तक भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग आते हैं, अरबी लोग आते हैं, अरबी लोग जैसे सऊदी, कतरी, कुवैती, दुबई के लोग, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर अरबी लोग आते हैं, गल्फ कंट्री के लोग आते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं, चाय कहवा जो भी है अपना यहाँ पीते खाते हैं। और ये अच्छा एरिया है, यहाँ मेट्रो भी चलती है, मेट्रो ज़मीन में भी चलती है और मेट्रो रोड के ऊपर भी यहाँ पर चलती है, यानी कि यहाँ हर व्यवस्था है इसके अंदर। और छोटे छोटे यहाँ पर स्टेशन भी हैं, यानी कि आप इसके अंदर घूम सकते हो, तो छोटे छोटे स्टेशन भी हैं। और यहाँ टैक्सी भी आ सकती है, प्राइवेट गाड़ी भी ला सकते हो, अपनी गाड़ी भी ला सकते हो, यानी। और ज़्यादातर यहाँ दिक्कत जो होती है, यहाँ दिक्कत होती है पार्किंग की। अगर आपको पार्किंग नहीं मालूम है तो भाई पार्किंग मिलना बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप यहाँ पर पार्किंग ढूंढ लेते हो तो भाई बहुत अच्छा, क्योंकि पार्किंग यहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंग के नीचे तहखाने में दिए रहते हैं कि आप वहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हो। तो देख सकते हो हमारे पीछे कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। अभी तो शुरुआत है, अभी शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर। तो अभी हम मुशेरफ से बाहर निकल रहे हैं, जो लोग मुशेरफ मान भाई वो लोग मुशेरफ में आ सकते हैं, और बहुत अच्छी सिटी है मुशेरफ। और अभी हम मुशेरफ से बाहर आ चुके हैं, देख सकते हो। और ये है जहाँ पर हम भी हम आए हैं, ये है दोहा ओएसी थिएटर, यानी सिनेमा हॉल है दोहा ओएसी। तो अगर आपको पिक्चर भी देखना है तो आप लोग यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो। तो अगर गाइस आप लोग को कतर आना है, नए वीजे पर आना है और अच्छी सैलरी में आना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग से हम मिलेंगे और आप लोग को हम बुलाना भी चाहेंगे। तो यहीं करते हैं वीडियो को एंड, और ज़रूर ज़रूर आप लोग
सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।